Hello students. In my earlier video, we discuss about process of human resource planning, limitations of human resource planning, and human resource information system. Okay. So human resource information system क्या provide karta hai, Then uh, an efficient human resource information system helps on uh, the organization track and benefits of the rights. Uh, benefits of the rights of human resource information system okay now in this video lecture we discuss about job analysis description and job specification okay so let's start with job analysis a job analysis is a process used to collect information about the duties responsibilities necessary skills

आउटकम्स एंड वर्क एनवायरनमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर जॉब जॉब के रिलेटेड क्या क्या ड्यूटीज हैं क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं क्या क्या स्किल्स हैं उसके आउटकम्स क्या हैं ये सब की प्रोसेस उसको क्या बोलते हैं जॉब एनालिसिस ओके यू कुड एंड अप नॉट बींग एन एम्प्लॉय करेक्टली दस फॉस्टरिंग एम्प्लॉय डिसकंटेंट और हायरिंग समवन हुक्स एंड इसशियल स्किल नीडेड फॉर परफॉर्मिंग द जॉब मतलब एक खाद एम्प्लॉय में अगर वो स्किल नहीं है ओके okay? सो so, उनकी ड्यूटीज़ क्या निभानी है वो मालूम नहीं है सो so, उनमें से आ, वो एम्प्लॉय को कैसे जॉब परफॉर्म करना है उनमें स्किल क्या स्किल कौन से स्किल की ज़रूरत है ये सब जो है वो आ, उनको बताना पड़ता है द जॉब एनालिसिस पेयर्स द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इट जॉब डाउन टू द कोर फंक्शन नेसेसरी टू सक्सेसफुली परफॉर्म द जॉब और इसके वजह से वो जॉब है जो दिया हुआ है उसको जॉब वो अच्छे से परफॉर्म करता है द जॉब एनालिसिस इज यूजफुल इन प्रोवाइडिंग एन ओवरव्यू ऑफ द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनी पोजिशन ओके एडिशनल आउटकम ऑफ अ जॉब एनालिसिस इंक्लूड मेकिंग एम्प्लॉय रिक्रूटिंग एंड हायरिंग प्लान्स पोजिशन पोस्टिंग एंड एडवरटाइज एडवरटाइजमेंट एंड परफॉर्मेंस डेवलपमेंट प्लानिंग विद इन यूर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टीम द जॉब एनालिसिस इज अ हैंडी टूल दैट यू कैन यूज टू पॉपुलेट एनी ऑफ दिस प्रोसेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सक्सेस ओके एम्प्लॉयमेंट जो है वो सक्सेस करने के लिए जॉब एनालिसिस ये क्या है एक एडिशनल आउटकम है Uh, अगर आपको जॉब एनालिसिस करना है एनालिसिस करना है तो वो कैसे परफॉर्म किया जाता है ओके हाउ टू परफॉर्म अ जॉब एनालिसिस सो सर्टेन एक्टिविटीज़ विल हेल्प यू टू क्रिएट अ सक्सेसफुल जॉब एनालिसिस द जॉब एनालिसिस में इंक्लूड द फॉलोइंग एक्टिविटीज फर्स्ट वन रिव्यूइंग द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ करंट एम्प्लॉयज इट इज़ क्रिटिकल दैट यू आज द एक्चुअल एम्प्लॉय हुर डूइंग द जॉब वॉट दे डू एवरी डे ऑन द जॉब उनको पूछना कि आप क्या करते हैं हर रोज जॉब में फ्रिक्वेंटली इच्छ आर एंड मैनेजमेंट एक्स्पेशली सीनियर मैनेजमेंट ओके हैव नो आइडिया वॉट इनकम पासिस द डे टू डे फंक्शंस ऑफ एनी पर्टिकुलर जॉब जो टॉप मैनेजमेंट में बैठे हुए हैं उनको पता नहीं कि डेली उनका रूटीन क्या है करके ओके okay, सो so ये वो बता बताते हैं वो आस्क करते हैं एम्प्लॉय को कि आप डे टू डे में क्या एक्टिविटीज़ करते हैं दे मे सी द आउटपुट बट दे हैव नो आइडिया वॉट वर्क एक्शंस एंड बिहेवियर्स गो इन टू द एम्प्लॉय प्रोड्यूसिंग इट ओके सो क्या एटीट्यूड है उसका कैसे वो प्रोड्यूस करता है सो so, ये उस टॉक uh, मैनेजमेंट को ये कोई भी आइडिया नहीं रहती है लेकिन आउटपुट क्या है ये पता है लेकिन वो कैसे करता है वो नहीं पता ठीक है if you are asked to list your current responsibilities for a job analysis be through with the information you provide don't just say you produce monthly reports say that you gather the data from six departments uh, different departments check the data for accuracy using a custom design एक्सेस टूल दैट आई क्रिएटेड एंड मेंटेन एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा ओके मतलब आपको पूछा गया कि आप क्या करते हैं है ना आपकी करंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है तो आप ये आ, ऐसे नहीं बताना कि फिर सिर्फ मैं मंथली रिपोर्ट प्रोड्यूस करता हूँ ऐसे बताना कि इंफॉर्मेशन गैदर करता हूँ बाकी के डिपार्टमेंट से है ना देन डाटा फॉर एक्यूरेसी यूजिंग अ कस्टम डिज़ाइन एक्सेस कैसे एक्सेस टूल ओके सो एक्यूरेसी चेक करते हैं दैट आई क्रिएटेड एंड मेंटेन वगैरह वगैरह ये सब बोलना पड़ता है इफ़ यू लीव ऑफ द डिटेल्स मतलब आपने ये स्किप किया दे मे थिंक दैट योर रिपोर्ट इज जनरेटेड बाय अ बटन दैट यू पुश वंस अ मंथ टू प्रोड्यूस ओके सो उनको ऐसा लगता है ये एग्जाम्पल दिया मैंने कि जस्ट आपने एक बटन दबाया और ये पूरा डाटा आ गया उसके पीछे आपकी कितनी मेहनत है ये दिखाई नहीं देती Okay. So make certain that you have described described your daily duties in sufficient detail so that your organization is able to hire a qualified new employee who has the capacity to do the job correctly. Okay. Second one, doing internet research and viewing sample job descriptions online or offline, highlighting similar jobs. वेल यू नेवर वॉन्ट टू कॉपी अनदर कंपनीज जॉब डिस्क्रिप्शन लुकिंग एट सेवरल इट हेल्पफुल इन राइटिंग यूर ओन जॉब डिस्क्रिप्शन ओके आपको खुद में ही वो डिस्क्राइब करना पड़ता है आप क्या जॉब करते हैं किसी का कॉपी नहीं कर सकते यू कैन फाइंड सैम्पल जॉब डिस्क्रिप्शन बाय सर्चिंग फॉर सैम्पल डिस्क्रिप्शन और यू कैन लुक एट जॉब पोस्टिंग फॉर पोजिशंस कंपनीज आर करंटली हायरिंग यू कैन ऑल्सो लुक एट द लिंकड इन लिंकड इन टू सी हाउ पीपल डिस्क्राइब देयर अकम्पलिशमेंट इन ए जॉब मतलब प्रोफाइल uh, चेक करो ये लिंकड इन एक प्रोफाइल है जहाँ पे कैसे वो पोस्ट करते हैं अपना जॉब जो है वो कैसे डिस्क्राइब करते हैं ओके सो ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि uh, जाके देखो कि कैसे तुम्हें जॉब जो है वो डिस्क्राइब करना है ओके दैन थर्ड वन एनालाइजिंग द वर्क ड्यूटीज टास्क and responsibility it is that the employee feeling uh, filing the position needs to accomplish uh, not every job within a company is optimized okay you may find duties that are undone or projects that you should move from one department to another you may discover tasks

sometimes companies will happily share information about their job descriptions okay sometimes ka hai okay kabhi kabhi wo share karte hai. there are also salary survey companies when you can match up your job to their descriptions and share salary information but they can also help you figure out what to include in your own job description okay and last one is Articulate the most important outcomes or contributions needed from the position. Sometimes you get so caught up in the task that you forgot to look at the needed outcomes. For instance, if it's a report that is needed, all the gathering and auditing of data. इज़ वर्थलेस विद आउट द फाइनल एनालिसिस एंड रिपोर्ट मतलब आपने सिर्फ डाटा कलेक्ट किया है उसका रिपोर्ट नहीं बनाया उसका एनालिसिस नहीं किया तो वो सब वर्थलेस है ठीक है समटाइम्स यू कैन आइडेंटिफाई होल्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन एंड फिगर आउट अ वे फिल देम बाय डूइंग जॉब एनालिसिस टास्क आर नॉट असाइन टू एनी एम्प्लॉय दैट नीड टू बी डन फॉर एग्जाम्पल वन जॉब हैज मोर टास्क दैन एनी वन पर्सन कुड अकम्पलिश ओके मतलब ऐसे हमें एनालिसिस करना है कि जो छुप छुपे हुए हैं उनको भी हमें दिखाना है कि हम ये भी करते हैं ठीक है देन सेकेंड इम्पॉर्टेंट है जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब डिस्क्रिप्शन इज अ ब्रॉड स्टेटमेंट ऑफ द पोर्पज ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ जॉब और पोजिशन a job description is based on a detailed job analysis and usually summarizes the essential information gathered through job analysis it describes the main task and responsibility of, of the job clearly and concisely in order to facilitate the systematic comparison of jobs for evaluation purpose the kind of information and amount of details contained in the job description depend on the job evaluation plan to be used job description is a snapshot of a job current and accurate job description maximizes employees effectiveness and productivity as it outlines the positions responsibilities and accountability okay so job description ke upar Uh, बहुत सारे uh, मतलब एम्प्लॉयज़ के फ़ायदे हैं क्योंकि उनका डिस्क्रिप्शन मैक्सिमाइज होते ही एम्प्लॉय का इफेक्टिवनेस और उनकी प्रोडक्टिविटी नज़र आती है ठीक है जॉब डिस्क्रिप्शन क्लियरली एंड कंसाइजली कम्युनिकेट विद द जॉब ओके इन टेल्स इन एडिशन जॉब डिस्क्रिप्शन हेल्प्स इन अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द बेस्ट टैलेंट एज इट शोज that a company is organized well run and fair job descriptions promote responsibility improve moral and the corporate image okay job description is a written statement of what the job holder actually does how he or she does it and under what condition the job is performed there is no standard format for writing job description. It is an organized factual statement of job content in the form of duties and responsibilities of a specific job. The preparation of job description is very important before a vacancy is advertised. It tells in brief the nature and type of job and usually includes. Title or designation of job and location in the concern. Then, next is job summary and achievable results. Next, the nature of duties and operations to be performed in that job. Next, the nature of authority responsibility relationship. Next, main tasks of job and standard to be achieved. Next, terms and conditions including salary hours of work leave etc next limits of discretion that is budgetary responsibilities next one necessary qualification required for job next combination correlation and relationship of that job with other job in a concern next one is specification of matching tools

नेक्स्ट इज जॉब स्पेसिफिकेशन हमने जॉब एनालिसिस देखा जॉब डिस्क्रिप्शन देखा अभी जॉब स्पेसिफिकेशन देखना है ओके सो जॉब स्पेसिफिकेशन यूजुअली इन्वॉल्व अ लिस्टिंग ऑफ द पर्सनल क्वालिफिकेशन रिगार्डेड एज नेसेसरी फॉर सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ओके जॉब स्पेसिफिकेशंस आर मेनली यूज्ड इन सेलेक्टिंग एंड रिक्रूटिंग staff and are accordingly not essential for job evaluations okay uh, but certain um, but certain uh, personal att uh, attributes such as experience uh, education and aptitude may occur in both in job description as well as in job specification many job evaluation plans accordingly

दैट हेल्प टू परफॉर्म अ जॉब क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए वो पर्टिकुलर जॉब करने के लिए ओके सच रिक्वायरमेंट्स आर यूजली एस्टेबलिश फॉर इंडिविजुअल जॉब ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट मेड बाय स्टाफ एनालिस्ट बट इन सम इंस्टेंसिस दे आर बेस्ड अपॉन स्टेटिस्टिकल वेलिडेशन प्रोसीजर्स जॉब स्पेसिफिकेशन ट्रांसलेट द जॉब डिस्क्रिप्शन इन टू

Uh physic and mental health. Next, spatial attributes and abilities. Next, interpersonal skills. Next, maturity and dependability. Next one family background. Next work output, job con work output, job context, and other job characteristics. Next, job specification should be used as a guideline to the knowledge, skills. एंड एप्टीट्यूड्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक जॉब ओके जॉब एनालिसिस जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन टूगेदर फॉर्म द बेसिक बेसिस ऑफ रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट ऑफ पर्सन इन एन ऑर्गेनाइजेशन पहले एनालिसिस होता है फिर डिस्क्राइब होता है जॉब क्या है और फिर बाद में वो स्पेशलाइजेशन बताता है ओके ये सब मिल के क्या क्या है बेस क्या है रिक्रूटमेंट का बेस है सिलेक्शन का बेस है और प्लेसमेंट का बेस है एम्प्लॉय का ओके गोट इट सो हियर इज वी कंप्लीटेड जॉब एनालिसिस देन जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन ओके आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर इफ यू हैव एनी क्वेरी देन मैसेज मी इन माई कॉमेंट बॉक्स See you soon in my next video lecture. Till then, take care. Thank you.